सावल सावल यार वे। आइए आइए, वेलकम। शुक्र आप आ गई, बहुत इंतजार कराया। अच्छा तो ये पारी आपने थ्रो की है, तो फिर इतनी राजदारी क्यों? मुझे डर था कि आप शायद आए। लेट्स मीट वंस अगेन, मलिक शहरयार। जोहरा। शुक्र है आज आपने अपना नाम सही बताया। जैसे मैंने आपका नाम पता करवा लिया था। तो आप मेरी तफ्तीश करवा रहे थे। देखिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का आदमी, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसके बारे में पता करवा लूँ। तो महज आप इंसानों को भी चीज़ समझते हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मकसद नहीं था। आप मेरे लिए नायाब। तभी आपने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की है सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात के लिए। जी ये सब कुछ आप ही के लिए। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूँगा और ना ही मैं दुनिया का सबसे नेक आदमी, लेकिन सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत लड़कियाँ हैं, लेकिन आपके करीब से भी कोई नहीं गुजरी। एक लम्हे में आपने उन सब लड़कियों को मेरे लिए आम कर दिया। बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यही सारी बातें आप दूसरी लड़कियों के साथ भी करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कलाम सिर्फ आपके लिए। मैं बुरा ज़रूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि असल हुसन को अप्रिशिएट ना करूँ। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आप अंदर आए, मैं आपको अपने मेहमानों से मिला। वैसे सच कहते हैं हमारे मुल्क ने काफी तरक्की कर ली है। जी आप जैसे लोगों की मेहरबानी है ना, आप जैसे लोग ऐसी इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करें ना, हम जैसे लोगों को आपका कल्चर सीखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े। नहीं तो अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप सारा दिन? नाम आप मेरा जानते हैं, जोहरा। इससे ज्यादा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकती। आपके बुलाने पर यहाँ आ गई हूँ, लेकिन कुछ जान नहीं सकते आप मेरे बारे में। नहीं लेकिन अगर मैं मजीद आपके बारे में जानना चाहूँ तो? आपने जो रकम अदा की है वो सिर्फ इस कंपनी के लिए थी, इससे ज्यादा आप मुझे नहीं जान सकते। मैं कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, ना तो इस शर्त में शामिल है। और अगर मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँ तो? तो फिर आपको ऐसी एक और शानदार सी पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि मैं ना हूँ तब कोई और आ जाए आपसे मिलने के लिए। तो आप मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, सब कुछ अन्ना जी के हाथ में। और अगर मेरे इख्तियार में होता है तो मैं इस पार्टी को क्या जैसे किसी पार्टी में नहीं नजर आते। मगर क्या करें, हर दफा वो नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या बात है मलिक साहब, लगता है कुछ ज्यादा ही दिल आ गया इस लड़की पर आपका। पता नहीं लेकिन लगता है कुछ खास है इसमें, इस दुनिया की होते हुए भी इस दुनिया की नहीं लगती। ये पार्टीज में स्क्वाड बन के जाना जरूर किसी मजबूरी के तहत करती है। अरे क्या मजबूरी मलिक साहब, ये बड़े स्टेटस अच्छे कनेक्शंस की आस में इनके फैमिली वाले इन्हें भेज देते हैं पार्टियों पे। अब कहाँ वो दौर रहा लखनवी बाजारों का, वो तसव्वुर ही ख़त्म हो गया मलिक साहब। ऐसी सारी फैमिली जो है ना पॉश एरियाज में शिफ्ट हो गई हैं, ऊपर से इनकी औलादें आला किस्म की महंगी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जिनकी औलादों को आज तक ये नहीं पता चला कि उनके आबाओजदाद का पेशा क्या था। अजीब मुश्किल में हैं बेचारे, ना शरफा में शुमार होते हैं और ना इनकी नई नस्ल अपने पुराने नाच गाने के पेशे में इंटरेस्टेड है। लिहाजा ऐसे सारे ख़ानदान मलिक साहब शरीफ और पेशावर की तकरार में पिस रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, क्या बोर हो रहे हैं, चलिए अभी तो पार्टी ऑन है मलिक साहब, आइए आइए।
कुछ तो बोलो, हम जब से पार्टी से आए हैं तुम बिल्कुल खामोश बैठी हो। क्या बोलूं, उस पार्टी में ऐसा कुछ था ही क्या जिसके बारे में बात ही जाए। दौलत के नशे में सारे धुप मार था, देखा था कितनी गंदी नजरों से देख रहे थे, और वो सेठ साहब देखा था अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ फिर रहे थे, मगर सारा वक्त उनकी नजर सिर्फ मुझ पर ही थी। घिन आती है मुझे इन लोगों से। बात तो ठीक कह रही हो तुम, मगर ये जो मलिक शहरयार है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का इंसान है। कितनी इज्जत से बात कर रहा था, और तुम पर तो अपना हजार दिलोजान कुर्बान थे उसके। कोई भी छिछोरी हरकत नहीं की है उसने, वरना तुम तो जानते हो ना इन सेठ लोगों को, मौका मिलता नहीं और ठरक झाड़ने से बाज नहीं आते। वो असलम कॉन्ट्रैक्टर याद है ना तुम्हें? अच्छी तरह जानती हूँ उन लोगों को, बहुत अच्छी तरह। सारे अंदर से एक जैसे ही होते, और वो भी शरीफ इतना इसलिए बन रहा था उसके आसपास कॉलिग से, बस इसीलिए, वरना वो भी ऐसे ही होगा। कसम से मेरा बस चले ना, मैं एक मिनट के लिए भी ये काम ना करूं। सिर्फ अन्ना जी के खातिर मैं कर रही हूं, वरना मैं बिल्कुल ये नहीं करना चाहती। चलो जल्दी से बताओ। ओहो क्या मुसीबत है भाई, दो घड़ी बैठने तो दो, और नहीं तो कम से कम ठंडा पानी या शरबत ही पूछ लो। बहुत प्यास लगी है भाई, प्यास की वजह से ना हलक में कांटे हो गए। बस कर दो, मैं ला रही हूँ, पहले मुझे खबर तो सुना दो। खबर तो बड़ी जबरदस्त है बॉस, तुम्हारे उस ना होने वाले कामरान का ना पता लगा लिया मैंने। क्या कह रही हो, कहाँ है वो बेवफा? सखर में छुप कर बैठा है, सुना है कोई नौकरी मिल गई उसे वहाँ, और इसकी एक हमसाई से सारी खबर निकलवाई है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया मैंने। अब देखो उसकी बुझे हुए इश्क की चिंगारी कब सुलगती है दोबारा, या फिर वक्त की राग में दबकर हमेशा के लिए कोयला बन चुकी है। हर केस में कामरान ऐसा नहीं कर सकता, वो तो अपने माँ बाप के दबाव में आके सखर चला गया, मगर मेरा पैगाम मिलने के बाद वो चैन और इत्मीनान से बैठा नहीं होगा। याद में तड़पता होगा मेरी, सकीना को भूलना इतना आसान नहीं है। लड़की कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, थोड़ी सी शर्म ही कर लो। शादीशुदा हो अब तुम किसी और की बीवी बन चुकी हो, और जब महबूबा किसी और की बीवी बन जाती है ना, तो मर्द के इश्क शोलों को बर्फ बनते देर नहीं लगती। और अब न जाने वो सखर में किसी और। ऐसा नहीं हो सकता कामरान, ऐसा हरगिज नहीं है। वो जानता है कि मेरी शादी जबरदस्ती की गई है, मुझे किसी भेड़ बकरी की तरह किसी खूंटे से बांध दिया गया है। अगर मेरी खातिर उसे वापस आना ही होगा तो मुझे बस उसका नंबर ला दो ना, मैं खुद बात करूंगी उससे। देखो मैं अपने दुश्मनों से बदला लेने के बाद यहां ज्यादा देर नहीं टिकूंगी, ईसा को मुझे छोड़ना ही होगा, ये मेरा अटल फैसला है। मैं तो कहती हूँ अभी ये बात मूसा के ससुराल वालों को बताने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दें, हालात बेहतर होंगे तो मैं मौका देख के शास्ता बहन से खुद बात कर लूंगी। तुम्हारे लाडले ने बात करने के काबिल ही कहाँ छोड़ा, और फिर सबको पता चल गया कि मैंने उसे आग कर दिया है। अब वो वजह जाने बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे, और ये उनका हक भी है। इसीलिए कहती थी कि जल्दबाजी में फैसला ना करें, ना जाने वो लोग क्या सोचेंगे। तो तुम क्या चाहती हो कि सारे जमाने को तुम्हारे बेटे की रुसवाई की खबर हो जाने देता, फिर उसको आग करता मैं? मैंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और अब मूसा के ससुराल वाले जो फैसला करेंगे हमें कबूल करना होगा, समझी? सोचों में गुम हो,
अच्छा है चलो, अब तो उसने तुम्हारा पीछा छोड़ ही देना है। इतनी कड़ी शर्त जो रख दी है तुमने, उसे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे इस बात पर। उसके बारे में नहीं सोच रही थी, और मुझसे ज्यादा तुम उसे याद करके आगे बढ़ती। धनी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं कैसे ना याद करूं, जब देखो घर में हर वक्त उसका जिक्र होता रहता है, जब देखो उसका नाम सुनाई देता रहता है, तो मैं कैसे भूल जाऊं? क्या क्या किया उसने? उसका जिक्र कौन करता है? थानेदार ने सिपाही भेजा था, आज फिर से उसे थाने बुलवाया है जमानतनामा भरने और पेशी के लिए। और अन्ना जी के लिए भी थानेदार ने पैगाम भेजा था कि वो तस्दीक करें इस बात की कि मूसा ने फिर से कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की, वरना उसे इस बात पर फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। और अन्ना जी ने क्या कहा? कहना क्या था, बस अन्ना जी ने कहला भेजा कि मूसा ने फिर से कोई खिलाफ जमानत हरकत नहीं की है और ना ही तुम्हारी राह की है, तो इसलिए उम्मीद है कि शायद उसकी जमानत की तौसीक हो जाएगी। क्या बात है साहब, मैंने अपने यार की जमानत करा तो दी है, फिर क्यों बार बार इसे बुला रहे हैं? ये हिफ्ज़े अमन की जमानत है, कोई मजाक नहीं है। जब तक शिकायत कुनंदा को इत्मीनान ना हो, इसे हर हफ्ते यहाँ पर आकर हाजिरी लगानी होगी। क्या उन्होंने फिर कोई शिकायत दर्ज कराई है? इसने तो भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। इसके लिए यही बेहतर है, और अगर फिर कभी इसने ऐसा कुछ किया तो इस बार इसके लिए खलासी नहीं होगी। खलासी चाहिए किसको एस एच ओ साहब? आपका बुलावा किसी की याद के लिए काफी है। हर हफ्ते उनसे पूछते तो होंगे ना कि मूसा ने कोई दस्तराजी तो नहीं की। जाहिर है इस बात को तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आपका दिलो जान से शुक्रिया। अब ये समझ लीजिए आप तो मूसा का भला कर रहे हैं, उसे मूसा को भूलने नहीं दे रहे। मेरा जिक्र तो रहता है ना उसके यहाँ, आप जैसा पैगंबर किसे नसीब होता। शुक्रिया। बस ये बात थी जो उस नाखल्फ की शर्म में मैंने आपसे छुपाई रखी। मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी तसल्ली कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे अपनी तरबियत में बड़ा नाज था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर बैठेगा, इस तरह कीचड़ में हाथ डाल देगा। मगर अब तो लड़की वालों ने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। अब बताएं कि मैं उसे आग नहीं करता तो क्या करता? आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? मेरे तो होश उड़ा दिया आपने ये सब कुछ बता के। मुझे कम अज कम मुझसे से ये तवक्को नहीं थी, और फिर आपकी तरबियत पे तो कोई बेईमान भी शक नहीं कर सकता, फिर ये सब कुछ कैसे हो? हर्ष, कुदरत ने मेरे माथे पे कालक का टीका लगाना था, वो लग गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे पीर साहब। सितारा मेरी बेटी भी है, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा। आप जो सजा तजवीज करेंगे हमें कबूल होगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शाह साहब, मेरे तो हवास ही मुअत्तल हो गए। मैं घर जाके सितारे की माँ से बात करके आपको जवाब दूंगी, क्योंकि मूसा और सितारे की मंगनी के बाद दोनों खानदानों में फैल चुकी है। दोनों सूरतों में बदनामी हमारी होगी। रिश्ता निभाए तो उलझन, रिश्ता खत्म करे तो हजार सवाल। मैं तो खुद इसी उलझन का शिकार हूं, मेरे तो उसे घर से भी निकालना चाहा, मगर उसकी मां और उसकी चची आड़े आ गई। वो सिर्फ हमारा मुजरिम नहीं है पीर साहब, वो आपका भी मुजरिम है। अब आप जो सजा तजवीज करेंगे ना हमें कबूल होगी। क्या बात है अम्मा, नोट करी हूं मैं।
जैसे ही कमरे में आती हूँ उठ के चली जाती हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? तुम्हारी ही बेटी हूँ मैं, तुम ही ने जन्म दिया है मुझे। अच्छा ही होता कि जन्म ना दिया होता तुझे, सारी उम्र इस बात का पछतावा रहेगा कि तुझ जैसी औलाद पैदा की मैंने और तू मेरी कोख से पैदा हुई। पता होता कि बड़े होके ये गुल खिलाएगी तो पैदा होते ही गला घोट के मार देती तुझे। ऐसा भी क्या गुस्सा? और जिसके लिए तुम मुझसे नाराज हो रही हो वो तो अब कुछ बोलता भी नहीं है, लगता है बोलती बंद हो गई है उसकी। एक झटके में सारी अकड़ निकाल दी है मैंने तुम्हारे भतीजे मूसा की। खुदा के कहर से डरो, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो तुम। मूसा नहीं देख रहा मगर उसका अल्लाह तो सुन रहा है ना। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछतावे का वक्त भी ना मिले और माफी भी नसीब ना हो। अच्छा, और उनके बारे में क्या कहेंगी आप जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की? उन पे खुदा का कहर नाजिल नहीं होगा क्या? तब उन्हें ये खौफे खुदा याद क्यों नहीं दिलाया? हाँ, तब क्यों ये बददुआएं नहीं निकली मुंह से? क्यों मुंह बंद था जब मेरा जबरदस्ती निकाह ईसा के साथ कराया जा रहा था? तो एक बात बताओ, तुम मेरी सगी माई हो ना या किसी यतीम खाने से उठाया था मुझे? शक होता है मुझे कभी कभी। यार भाई तुम समझते क्यों नहीं हो, अम्मा तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानेंगी, वो सितारा से तुम्हारी बात पक्की कर चुकी हैं। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं यार ईसा, सितारा बेचारी मासूम लड़की है, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मेरे पल्ले बांध कर? ये जिसे तुम बर्बादी कह रहे हो ना, अम्मा को उसमें तुम्हारी आबादी नजर आती है। और भाई ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि अम्मा मरते मर जाएंगे लेकिन अब्बा के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। और जोहरा के घर तुम्हारी सोच है, नामुमकिन। किसी नामुमकिन को तो मुमकिन करना है मुझे ईसा। मेरे नाम के साथ इनका इज्जतदार नाम जुड़ा है ना, यही मसला है ना, तो गायब हो जाऊंगा मैं, कहीं मिटा दूंगा शनाख्त को, खत्म कर दूंगा अपनी पहचान को, वादा है मेरा। भाई ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम अपने आप को मिटाने की बात क्यों कर रहे हो? और उस लड़की के लिए जो तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती, वो लड़की जिसने तुम्हें हर कदम पर धुतकारा है। ओ क्या, हाँ मुझे नहीं धुतकारा है उसने, उसने मेरे नाम के साथ जुड़े माशरे के भरम और ऊंच नीच के झूठे दर्जे को धुतकारा है, जो उसके ख्याल में मुझे बड़ा इज्जतदार मोहतबर और उसे नीच और कमतर बनाता है। और मैं जानता हूं ये सब क्यों कर रही है, वो खुद को मेरे बराबर लाना चाहती है, तो ठीक है ना यार, हक बनता है उसका, वो इंसान नहीं, वो चाहती है कि अगर कोई इंसान उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो पूरे जमाने के सामने करे ना, अपने खानदान वालों के साथ करे, तो क्या गलत है इसमें? और ये सब इतना आसान है? ये ऊंच नीच, ये इज्जत बेइज्जती के मायार तुमने नहीं बनाए, सदियों से चले आ रहे हैं ये रिवाज, यही दस्तूर है इस दुनिया का, यही सिक्का राइज है भाई। जानता हूं, जानता हूं ईसा, लेकिन दिल के बाजार में ये सिक्के खोटे हैं, दिल वालों पे ये रिवाज नहीं चलते। आग का दरिया है ना, जा करना है पार, पार करना है भाई। लेकिन और सुन, तू कुछ नहीं कर सकता ना मेरे लिए, कोई बात नहीं, तू दुआ तो कर सकता है ना मेरे लिए, दुआ कर दे यार, दुआ कर दे।
ऐसा कैसे हो सकता है शाहजी? मूसा और एक तवायफ शादी? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मूसा तो एक इंतहाई शरीफ, फरमाबरदार और ताबेदार बच्चा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे भी कुछ ऐसे ही तासुरात थे सितारा की, जब शाह साहब ने यह खबर मुझे सुनाई थी। मगर हकीकत यही है, एक बाप बिला वजह अपने बेटे को यूं ही आंख नहीं कर देता, उसके पीछे बदनामी की कोई ना कोई दास्तान छुपी होती है। लेकिन शाहजी, मेरा तो दिल दहला जा रहा है ये सोचकर कि अब तो हमारी बेटी का नाम मूसा के नाम के साथ से जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा सितारे की माँ, क्या करूं? तो शुक्र करो कि बात निकाह या रुखसती तक नहीं पहुंची थी, और अल्लाह भला करे शाह साहब का कि उन्होंने बगैर कुछ लगी लिपटी हमें सारे हकीकत से आगाह कर दिया। मैं बात करती हूँ हाजरा से, वो जरूर अपने बेटे से बात करेगी और उसे समझाएगी। अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब देखिएगा वो अपनी माँ की बात जरूर मानेगा, वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। बात करके देख लो, मगर ये बात तो तयशुदा है, मूसा को अब उस घर में वो मुकाम और हैसियत हासिल नहीं होगी जो एक बड़े बेटे की हैसियत से उसे खानदान में हासिल थी। सारे इंतजाम वो पहले ईसा के हवाले कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ ये तय करना बाकी है कि आया हम मूसा के पलट आने पर अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में देंगे जो जिसे खुद उसका बाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे में भला माँ कर भी क्या सकती है? मैं कुछ नहीं कर सकती मूसा, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों इस बुढ़ापे में अपनी माँ को घर से बेघर करना चाहता है? तेरे बाप को पता चला तो गजब हो जाएगा, ना तू रहेगा ना मैं। देख, अपनी माँ को बार बार इम्तिहान में ना डाल, मेरी बात मान, तो उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जी मेरा दिल है अम्मा, अब्बा जान का कमरा नहीं कि जिसे चाहा जब चाहा कहा कि निकलो और निकाल दिया। और वैसे भी निकालने और बेदखल करने का हुनर पीर कुदरतुल्लाह शाह से ज्यादा बेहतर और कौन जानता है? लिहाज कर मूसा, बाप का नाम ऐसे नहीं लेते। याद रख, अगर मुझे बेटे और शौहर में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपने साईं के सामने झुक जाऊंगी मैं। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं अम्मा, कि आपके नजदीक अब्बा के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक बात कहूं अम्मा, मैं आज पीर कुदरतुल्लाह की घरवाली के पास नहीं आया, अपनी मां के पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। दे देना अम्मा। अम्मा मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, पूरी जिंदगी कभी कोई तिनका नहीं मांगूंगा, आपसे दे दे। देख मूसा, तूने तो सारी उम्र किसी खिलौने की फरमाइश ही नहीं की है, और आज जो तूने खिलौने की फरमाइश की है ना, वो तेरी मां पूरा नहीं कर सकती। मूसा, तुझे देख के तेरी मां का दिल कटता है, तू उससे सारा जहां मांग ले, मगर तेरी मां तुझे ये नहीं दे सकती। नहीं दे सकती मूसा, नहीं दे सकती। बचपन से लेके आज तक मैंने आपसे या अब्बा से कुछ नहीं मांगा अम्मा, कुछ नहीं मांगा। जानती है क्यों? क्योंकि आज मांगना था, आज बेटा मांगने के लिए आया अम्मा। मुझे मेरे बचपन के तमाम पसंदीदा खिलौनों के बदले आज मेरे दिल की खुशी दे दो। दे दे अम्मा। दे दोगी तो मेहरबानी होगी अम्मा।
नहीं दोगी तो मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है अम्मा। दी